अरे सनी कम लगा हुआ मिक्स किसने कर दिया आप लोगों के साथ? नहीं तो नौकर है क्या तेरे? कर दो ना बंद। भाई वो तो मैंने कभी नहीं देखा आज तक जिंदगी में। आसमान है उसमें से ऐसे बादल नीचे को रखे ऐसे। पहाड़ों में तो होता है ना। मैं तो कभी नहीं। ओ हो क्या बारिश हो रही है भाई। अल्टीमेट बहुत तगड़ी। गाड़ी भी धुल गई मेरी अपने आप ही। कहीं ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बारिश ने धो दिया। और अभी आपको कैमरे से दिख नहीं रहा होगा लेकिन इस साइड ना बहुत ज़्यादा वाइट हो रखा है, सफ़ेद हो रखा है बिल्कुल, लेकिन अभी दिख नहीं रहा होगा कैमरे पे। मुझे पापा का पता है और अपना पता है। गीला टच करके देखो ना, गीला गीला कौन सा है? आप दोनों ने सुबह यूज किया होगा, मेरा कल का है तो फिर गीला है। ठीक है देखो भाई मेरे को तो कोई और तरीका आता नहीं है, जो ब्रश गीला होगा वही है अभी तक आज सुबह जिसने यूज किया है, और बाकी ये थोड़ा कम गीला है तो ये मेरा है। आप लोगों को कोई और तरीका पता है जानने का तो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। मम्मी से भी पूछ लेते हैं कि भाई कौन सी टी शर्ट की कलर पहननी है। कौन सी टी शर्ट की कलर पहननी है? क्या एकदम खत्म है? क्या खत्म है? मेरे को बोलते हैं ना तू उल्टा उल्टा बोलती है। अब देखा ऐसे ही आता है उल्टा मुंह पे। कोई अपना सोच के नहीं हुआ, उल्टा हो गया ना, ऐसे ही होता है। कोई नहीं बजाता है। मम्मी से पूछता है कि कौन से कलर की टी शर्ट पहननी है, क्योंकि भाई हर दिन में कुछ पहन लेता हूँ, फिर मम्मी बोलती है कि नहीं आज तो ये वाला वार है, ये वाली टी शर्ट पहननी है, आज ये वाला वार है, ये वाला कलर की पहन लिया, तो इसलिए पूछ लेते हैं भाई आज मंगलवार है तो कौन सा पहनना है। मंगल में क्या पहनते हैं? भगवा। भगवा तो है नहीं मेरे पास, भगवा तौलिया है मेरे पास, अब तौलिया लपेट के घूमो। वैसे ना क्या बोलते हैं, इसलिए बोलती हूँ मैं इसे, जब देखो ये ब्लैक टी शर्ट पहन लेता है। अरे सनी कम लगा हुआ। अच्छा आप बताओ ना क्या पहनना है? जो हमेशा काला काला पहन लेता है इसलिए बोलती हूँ मैं। क्या पहनना है? है तो तेरे पे जो वाली कलर की, वो केसरिया वाली, तो पुरानी है बहुत है। तो कोई पुरानी तो क्या हो गया, कहीं जा रहा है क्या? हाँ तभी तो, कहाँ थोड़ी जाना है ना अभी थोड़ी देर में। चलो पहन लेते, कोई बात नहीं, जब रंग की बात आई चुकी है तो। कि अभी मैं काम कर रहा हूँ तो जबरदस्ती ये क्या है कि बेटा चावल ले आएगा। हाँ वैसे तो तू नहीं लाएगा यार, तू तो वैसे भी 2 बजे ही लाएगा, अभी तेरे पे कहाँ टाइम है, ले आएगा क्या चावल? अबे यार बार बार पूछ के क्या है यार, एक बार बोलो तो बोलो कि ओए ले गया चावल। बारिश हो रही वरना मैं खुद ले आता। हाँ बड़ा वही तो बारिश। हाँ ये बारिश हो रही। आपको पता है बाकी जो स्टेट है, बाकी जो राज्य है, वहाँ पे घुसा दे मुझे यहाँ। कितनी है हंसी मजाक, हंसी ठट्टा नहीं चल रहा है यहाँ, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। आपको तो मजाक लग रही है बारिश है ना, वहाँ देखो और जगह कितना खतरनाक वो बाढ़ आ रखी है ना। हमारे पास तो फोन नहीं है ना जैसे, तो फिर ये बारिश आपको ज्यादा लग रही है कि भाई मैं कैसे जाऊंगी? अरे यहाँ कल से बारिश हो रही है। पर एक बात है, अभी तो हिमाचल में चल रहा था बुरा, ये जो बाढ़ आ रही थी, फ्लड आ रहा था, अब उत्तराखंड में भी आने लग गया भाई। सतपुल में इतना बड़ा गिर गया, वहाँ पे पूरा का पूरा पहाड़ से पूरा पानी है? हाँ पूरा रास्ता बंद हो गया। सतपुली से जो देवप्रयाग के रोड है ना वो खराब हो गई। तो ऐसे मुझे लग रहा है कि बहुत सारी जगह हो रहा होगा, पर ऊपर तो बहुत हो रहा होगा वही तो, क्योंकि ऊपर तो कब से बारिश हो रही है। और क्या हो रहा है ये ना, क्या हो रहा है, बहुत तेज हो रही, फिर धीरे 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 जो लगातार लगी हुई है ना, जो ये बहुत बड़ा नुकसान करती है फिर, और बाद में करती है, तेज होती है ना जब, ये नुकसान करती है। यहाँ बारिश हो रही है और वहाँ महाराष्ट्र में बारिश ही नहीं हो रही। सुबह पड़ा हाँ, वो कह रही थोड़ी बारिश हमें दे दो। मैं जो लड्डू बनाती हूँ उसके कस्टमर है तो उनका फोन आया था, उन्हें लड्डू चाहिए थे, तो कह रहे वहाँ बारिश ही नहीं हो रही है, को बहुत नुकसान हो रहा है वहाँ खेती का, चावल हो रहा है। यहाँ यहाँ उल्टा है, और यहाँ इतनी बारिश की वजह से देखो पूरा घर ही उजड़ रहे। हिमाचल में बहुत दुख की बात है, बहुत नुकसान हो गया। मेन तो पता है सबसे बड़ी बात ये की बाढ़ आए चले जाए, थोड़ा बहुत सड़क खराब हुई है, ये सड़क तो वैसे भी खराब रहती है, लेकिन ये जो घर टूट रहे ना,
इसको देख के बहुत बुरा लगता है। पुल टूट रहे हैं, पुल बनाने पुल पर यार, पुल बनाने में कोई पुल बनाने में समय लगता है, पर तभी भी एक बार के लिए पुल तभी भी बन जाएगा। लेकिन अब वो सरकार बनेगी, लेकिन जो एक घर होता है वो तो इंसान इतनी मेहनत से घर बनाता है ना, और वो घर टूटता है तो भाई पूरे अगर पूरे इलाके में अगर दो घर टूटे तो उन्हीं पे तो बीतेगी ना, बाकी तो ठीक है भाई। अगर पुल टूटेगा तो सब पे बीतेगी, सब एक दूसरे का साथ देंगे, करेंगे वो करेंगे, हो जाएगा जैसे तैसे, कट जाएगी। प्लस वो जो जिनके घर में नीचे नीचे घरों में जिनके मलबा घुस रखा, क्यों मलबा घुसा हुआ है। और एक वीडियो तो मैंने ये देखी कि शहर वाले घर भी टूट गया। पहाड़ में तो ऐसा होता है ना कि भाई आपने घर ऐसा बना रखा है कि पहाड़ से घर खिसक रहा है तो टूट जाएगा, लेकिन एक वीडियो मैंने देखा मोहाली का है, वहां पे घर ही टूट गया। वो पता नहीं पुराना है नया, आजकल तो पता भी नहीं चलता कि कौन सी पुरानी वीडियो कौन सी नई वीडियो है, पर कुछ भी कहो नुकसान बहुत हो रहा है। हाँ। बहुत नुकसान हो रहा है। बस आखिरी में हम सबके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते अभी फिलहाल, सब सेफ रहें। मेन जान है, जान ठीक रहे तो बाकी तो बना ही लेंगे दोबारा घर। इतने वाहनों का नुकसान हो रखा है। हाँ, मतलब वही है, जान रहेगी तो फिर वाहन भी आ जाएगा, घर भी आ जाएगा। मेन तो जान है, और जो पत्थर गिर रहे हैं ना गाड़ियों के ऊपर, मेरे को डर लग रहा है गाड़ी चलाने में। हमारे जो पंडित जी हैं गंगोत्री के, उनका आज मैंने वो स्टेटस देखा तो उसमें था कि गंगनानी है ना जगह, गंगनानी एक जगह है, वहाँ पर पत्थर गिर गया गाड़ी में, मतलब एक लेडीज की डेथ हो गई उसमें, और गाड़ी ऐसी हो रखी बिल्कुल। तो वही है ना, बहुत मतलब खतरे वाला अभी चल रहा है माहौल, तो भाई जितना ज्यादा हो सके घर पे ही रहे, और मैं भी घर पे ही हूँ। और एक वीडियो देखी उसमें पता है क्या हो रहा, उसमें ये है कि पत्थर इतना बड़ा गिर रहा, ऐसे जैसे पिक्चरों में नहीं दिखाते नकली। हाँ। कि जैसे पत्थर गिरा और गाड़ी हूँ। और एक वीडियो और आ रही जिसमें मंदिर को कुछ नहीं हुआ, हिमाचल में जो मंडी शहर है वहाँ पर है पंचवक्त मंदिर शिव जी का, तो उस मंदिर को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब इतना यहाँ तक पानी आ रहा उस मंदिर। हाँ। जब मैंने कल देखी थी उसकी वीडियो तो आधा आधा था वो, भरा वो आधा था मंदिर, और आपकी वीडियो आज सुबह की वीडियो में बिल्कुल इतना मतलब उसका बिल्कुल सरी सर दिखाई दे रहा है, त्रिशूल दिख रहा है ऊपर का। बस, और साथ में अभी रुड़की में जो वो भाई, वो तो मैंने कभी नहीं देखा आज तक जिंदगी में, पूरा ऊपर जो आसमान है उसमें से ऐसे बादल नीचे को और रखे ऐसे, और ऐसे लग रहा है जैसे कोई राक्षस आ रहा हो हमारी तरफ। अगर वो मेरे सामने होता ना तो मेरा तो दला खराब हो जाता देख के। और वो भी रुड़की में, ऐसा भी नहीं कहीं दूसरे देश में हो रहा पहाड़ों नहीं, पहाड़ों में तो होता है ना, मैं तो कभी नहीं देखा। अरे पहाड़ों में ऐसे नहीं होता, बादल आते हैं तो अजीब अजीब से नहीं लगते। और साथ में जो प्रॉपर्टी वाला मेरा जो फार्म था उसकी वीडियो भी मैंने बना दी है एक, अभी मैं उसको इसी चैनल पे डालूंगा रील के तौर पे, और बाकी जो भी इंक्वायरी करनी होगी आपको तो उसमें नंबर दिया है वीडियो में, आप देख सकते हो उसको। तो अभी दोबारा जा रहा हूँ मैं वहीं स्टूडियो काम करने के लिए, तो बहुत धीरे धीरे काम कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे को भी नहीं पता वो जो मैं रील की एडिटिंग करनी होती है थोड़ी, उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छे से कर रहे हैं तो वो मेरे को आती नहीं है अभी ढंग से, तो जिस भाई को मैं बुला रहा हूँ वही कर रहा है, तो उसको बता रहा हूँ फिर वो कर रहा है, तो इसलिए धीरे धीरे काम हो रहा है। तो फिलहाल आज के इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे समाप्त, अब मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय मत्री विशाल, जय सिद्ध बाबा। मैं लाइट बंद करूं, करेगा भाई कर दो यार, नहीं तो नौकर है क्या तेरे, कर दो ना बंद, कर दो करूंगी मैं तो, हमारा दिल तो आ रहा है जला दो तो बंद ही नहीं करते हो। और जब आपने वो पूजा के चक्कर में खुला रहता हर जगह था तो मेरे से कंपेयर, यार मेरे से कंपेयर क्यों।